मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं माया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माया के बंधन में फिर से एक नए खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं धौला देवी के खूबसूरत जंगलों से, क्योंकि हम आए हुए थे CSC ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग से लौटते हुए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 11 बज रखे हैं क्योंकि ट्रेनिंग हमारी आज सिर्फ 1 घंटे की थी, तो ट्रेनिंग वगैरह निपट गई है, तो घर जाते हुए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, बने रहिएगा मेरे साथ। तो सामने आप देख सकते हैं देवदार का घना जंगल, एक दो चीड़ के पेड़ आगे से और पीछे से है देवदार का घना जंगल। और ये है धौला देवी जाने वाली सड़क जंगल के बीचों बीच से। और यहाँ लगे हुए हैं बहुत सारे काफल। इस बार काफल में काफ़ी फल आए हुए हैं, पर ये अभी बहुत छोटे हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के हो रखे हैं, बाद में पक के एकदम रेड हो जाते हैं। तो जब ये काफल पक जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगते हैं पेड़ में पके हुए काफल। और फिलहाल ये अभी कच्चे हैं, तो हम निकलते हैं अभी यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आज हमारी जो ट्रेनिंग थी वो थी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर, यानी कि डिवॉर्मिंग डे के ऊपर, जिसमें 1 से 19 साल तक के बच्चों को ये दवाई खिलाई जाती है कीड़े की। तो ट्रेनिंग वगैरह हमारी हो गई थी और हम जा रहे हैं दनिया की तरफ, और रास्ते में हम रुकेंगे थोड़ा सा, हमें जाना है कॉलेज में, तो चलिए चलते हैं। तो हम पहुँच गए हैं कॉलेज के ऊपर और अब जाएंगे नीचे को। तो हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए थोड़ा सा एल्बेंडाजोल की गोलियां लेके आए हैं जो हम देने जा रहे हैं स्कूल में। तो यह है पॉलिटेक्निक का रास्ता दनिया से थोड़ा पीछे से। तो फ्रेंड्स, दनिया से पीछे जो फलियाड गांव है वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो यह है दनिया का पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो हम पहुँच गए हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज, अब जा रहे हैं अंदर दवाई देने के लिए। और आगे से हैं सुनीता दीदी। तो हम पहुंच गए हैं दनिया में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ एल्बेंडाजोल देने के लिए, और 2 मंजिले में जाएंगे, शायद वहाँ होगा कोई, यहाँ तो कोई नहीं बैठा है। तो पहुँचते ही चाय वाय मंगा ली हमारे सर लोगों ने, तो चाय आई पी के हम जाने लग गए हैं वापस। तो फ्रेंड्स, एल्बेंडाजोल की टैबलेट देके हम वापस जा रहे हैं रोड में, और दिन के 12 बज चुके हैं लगभग, और अभी हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई में। रोड में जाने के लिए थोड़ी चढ़ाई पड़ती है, तो हम थोड़ी चढ़ाई चढ़ के आ गए हैं, और ऊपर जो मकान दिख रहे हैं उतने ऊपर और जाना है हमने, और वहाँ पर हमारी स्कूटी। तो चलिए, तो हम पॉलिटेक्निक कॉलेज से इतने ऊपर आ गए हैं, और देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा, थोड़ा सा सफ़र बचा है और पहुंचने वाले रोड में, और आगे से चल रही है सुनीता दीदी। तो हम पहुंच गए हैं कॉलेज से रोड में, और सामने है मेरी स्कूटी, और अब चलेंगे दनिया को। तो दोस्तों, मैं दनिया से नीचे को आ गई हूं, और आज मैं दनिया मार्केट में नहीं रुकी क्योंकि मेरा कोई काम नहीं था। तो नीचे को आते हुए मैं यहाँ पर काड़ानुला में रुकी हुई हूँ अभी, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग गई थी, तो थोड़ा पानी रखा है बैग में, तो पानी वानी पीती हूँ, उसके बाद चलूँगी नीचे को, क्योंकि 2-3 दिन से पहाड़ों में बहुत गर्मी बढ़ गई है, बहुत तेज़ धूप लग रही है, और जंगलों में आग वगैरह भी लग जा रही है, तो इसकी वजह से गर्मी ज़्यादा हो रही है। और देखिए, ऐसा सूखा पड़ा है हमारे पहाड़ों में आजकल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है मौसम, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस है। तो अब थोड़ा दिखाती हूँ आपको यहाँ पे का थोड़ा सीन, और उसके बाद चलती हूँ घर को। तो थोड़ी देर में मैं काड़ानुला पहुंच जाऊंगी, और उसके बाद हनुमान मंदिर से दिहाड़ी से होते हुए घर। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूं अपने घर के ऊपर रोड में, और अब जा रही हूं घर को। तो फ्रेंड्स, मैं घर पहुंच गई हूं, और अभी कपड़े वपड़े नहीं बदले, हाथ पाथ धो के पहले मैंने खाना ही रखा है, क्योंकि मम्मी का बहुत काम हो रहा है बाहर, तो बिजी हो रही थी, तो खाना वाना नहीं बनाया उन्होंने, तो आते ही मैंने पहले रख दिया है चावल कुकर में। और आज मैं बना रही हूं दिन के खाने में रबड़ी, तो देखिएगा कि कैसे बनाती हूँ मैं रबड़ी। वैसे तो इसे चूल्हे में बनाते हैं, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं इसको गैस पर बना रही हूँ। तो मैंने जो है 1 कटोरा चावल रख रखा है कुकर में, अब उसमें 4-5 सीटी लगाऊंगी, उसको अच्छे से गला लूँगी, और उसके बाद उसमें डालूंगी मट्ठा,
तो देखते हैं, गर्मी में बहुत अच्छा होता है, ठंडक देता है शरीर को, तो वही खाएंगे हम आज, तो देखिएगा कैसा बनता है। तो फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं दोबारा आ गई हूँ अपने किचन में। तो कुकर में चावल चढ़ा रखे थे मैंने, तो देखते हैं कि चावल पके हैं या नहीं पके हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, चावल अच्छे से गल गए मेरे, देख सकते हैं आप, देखिए। और अब इसमें डाल रही हूँ मट्ठा। तो मैंने इसमें मट्ठा डाल दिया है चावल में, तो इसको पकाएंगे अब थोड़ी देर। तो हमारी रबड़ी बनके तैयार हो गई है, और यही है आज का लंच हमारा, क्योंकि मम्मी और मैं ही हैं आज खाने वाले, और हमें ये बहुत पसंद है गर्मियों में, तो चलो खाते हैं। तो इसमें ऊपर से मिला रहे हैं हम हरे धनिया और हरे लहसुन के पत्तों का नमक, और साथ में प्याज। तो अब करते हैं लंच। तो फ्रेंड्स, खाना वाना खा लिया है, और खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, पर मम्मी लगी हुई हैं बाहर दाल वाल सुधारने में। तो मेरे पिथौरागढ़ से आने तक मम्मी ने ये पूरा खेत साफ करा हुआ है, जो भी इसमें था मटर वगैरह सब निकाल के साफ सुफ कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, शाम के 4 बज गए हैं, और मैं थोड़ी देर रेस्ट करके बाहर आ गई हूँ, और मम्मी तो लगी हुई है काम में, तो थोड़ी सी अरहर थी उसको चूटते हैं अब। और ये दाल डाल रखी है हमने धूप में, इसको हमारे यहाँ कौवा बोलते हैं। और ये जब हरी होती है तो मटर जैसी लगती है, छोटे से दाने होते हैं लेकिन। और ये है मटर दाल वाले। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं मुंगरा, और मैं मुंगरे से चूट रही हूँ अरहर अब, इसको बोलते हैं अरहर। पर कूड़ा वगैरह हो जा रहा था आंगन में, तो मैं यहाँ से आई, और ये सीढ़ियाँ लगा रखी हैं यहाँ से, तो सीढ़ियों से होते हुए मैं आ गई हूँ गौशाला की छत में, और यहीं पर हम अब जिसको मैं चूट के लाई हूँ अभी अरहर को, तो इसको अब साफ़ करेंगे हम इस छत में, क्योंकि यहाँ से जो भी गंदगी होगी वो नीचे को चली जाएगी, तो हमारा आंगन गंदा नहीं होगा। और अब मैं इसमें मारती हूँ, यह है कौ,
तो मम्मी चली गई है उसे सुधारने के लिए जो मैंने कूटा तो था। शाम के 6 बज गए हैं और नीचे अरहर थी थोड़ी सी, और अरहर और छोटी छोटी काऊ बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, तो वो चूट के मैं आ गई थी ऊपर। उसके बाद मैंने चाय वाय बनाई, चाय वाय पी के अब मैं डालूँगी थोड़ा बहुत फूलों में पानी वगैरह, और मम्मी चली गई उसको सुधारने के लिए नीचे छत में। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने अरहर के पेड़, जिससे जो अरहर मैंने अभी चूटा था। तो चलिए, तो ये है अरहर का पेड़, पहाड़ी अरहर है ये, और इसके ऊपर ऊपर ही काटते हैं और दोबारा से हो जाती है इसमें। ये देखिए, ये काट रखे हैं मम्मी ने ये, और अब मैं डालने लगी हूँ पानी। यह है मिर्च, तो शाम के 6 बज गए हैं और देखिए मौसम कुछ ऐसा हो गया है शाम को, और अब हम थोड़ा फूलों में पानी वानी डाल रहे हैं, और मम्मी का तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है जो। और आसमान में लगे हुए हैं बादल, बिजली कड़क रही है और सामने हल्की हल्की धूप भी दिख रही है अभी, और सूर्यास्त होने वाले हैं अब थोड़ी देर में। ये है टमाटर के पौधे, मिर्च और भिंडी में के पौधों में पानी डालती है। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर के पौधों में पानी। और ये है बैंगन का पेड़, और यहाँ पर हमने लगा रखे हैं पिनालू यानी कि अरबी के पौधे। ये देखिए, और अभी सब नहीं आ रखे हैं, आने में ही है अभी। ये देखिए छोटे छोटे, और अभी शाम के समय बहुत तेज हवाएं चल रही हैं हमारे यहाँ। तो गौशाले के आगे हमारा एक पेड़ लौकी का और रखा है और एक पेड़ तोरई का, तो उसमें पानी डाल के आती हूँ जार से। तो फ्रेंड्स, नीचे गौशाले के आगे हमने एक तोरई का पेड़ लगा रखा है, ये देखिए। इसमें खाद डाल रखी है थोड़ा, और अभी मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। वगैरह खाद दें पेड़ को, तो इसके लिए इसके चारों तरफ लकड़ी लगा रखी है बचत के लिए। तो इसमें और पानी डालते हैं थोड़ा। और एक पेड़ लगा रखा है यहाँ पे, अभी जमा नहीं है ये। तो आसमान में भयंकर बिजली कड़क रही है, बारिश आती है बता नहीं रात तक, और हम डाल रहे हैं फूलों में पानी। तो इस साइड पानी डाल दिया है मैंने, और अब डालूंगी गेट के इस साइड के फ्लावर अभी बहुत छोटे छोटे हैं। देखिए, तो
फ्रेंड्स, शाम के 7 बजने वाले हैं और फूलों में पानी वगैरह डाल दिया है मैंने, और मम्मी भी आ चुकी है नीचे छत से ऊपर। और मैं 2-4 दिन के लिए पिथौरागढ़ गई थी, तो इस बीच में मम्मी ने सारे मटर वगैरह निकाल दिए थे खेत से और वही सुधारने में लगी हैं आजकल दिन। तो शाम के 7:30 हो गए हैं और रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई है मेरी, और रात के खाने में बना रही हूँ लौकी की सब्जी। आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।